अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। फराज खान एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिन्हें 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड के कुछ लोकप्रिय फिल्मों में देखा गया था जैसे फरेब और मेहंदी। उनका जन्म 27 मई 1960 को मुंबई भारत में हुआ था। वह अभिनेता यूसुफ खान के बेटे हैं जिन्हें अमर अकबर एंथनी से जेबिस्को के रूप में याद किया जाता है। खान को 1989 के संगीत रोमांस मैंने प्यार किया में पहले मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इसलिए उनकी जगह सलमान खान ने ले लिए। अभिनेता को वर्ष 1986 में विक्रम भट्ट की बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म फरेब में डेब्यू किया गया जहाँ उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की। 1997 में उन्होंने पृथ्वी नामक की रहस्य फिल्म में एक नकारात्मक भूमिका निभाए थे जिसमें सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी थे। इसके बाद हामिद अली खान द्वारा अभिनीत एक और बॉलीवुड फिल्म मेहंदी था लेकिन फराज के प्रदर्शन ने दर्शकों पर कोई प्रभाव नहीं डाला जिससे वो अपनी यादों से बहुत जल्दी गायब हो गए। फराज ने फिल्म में उनकी पत्नी के रूप में रानी मुखर्जी के साथ मुख्य भूमिका में काम किए। वर्ष 1999 में उन्हें फिर से सुभाष की दुल्हन बनू में तेरी में मुख्य भूमिका में दीप्ति भटनागर के साथ अभिनय किया गया। वर्ष 2001 में फराज को पूजा बत्रा तब्बू और गोविंदा के साथ दिल ने फिर याद किया में देखा गया था। उन्होंने 2004 की फिल्म बाजार मार्केट अब लव लॉस्ट एंड डिजायर में भाग लिए। इसके बाद वर्ष 2005 में चांद बूझ गया। सिनेमा संक्रमण के कारण 8 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में भर्ती हुए। अभिनेता फराज खान का बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। फराज को बेंगलुरु के एक अस्पताल में न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर के लिए इलाज किया जा रहा था। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। कुछ हफ्ते पहले उनके भाई फैमन खान ने अभिनेता के स्वास्थ्य के बारे में विवरण शेयर किए थे और इलाज के लिए वित्तीय मदद का अनुरोध किए थे। फैमन के अपील के बाद सलमान खान फराज के मेडिकल खर्चों में मदद के लिए आगे आए थे। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।